42 की उम्र में भी कुंवारी हैं एकता कपूर, इस वजह से नहीं करना चाहती शादी। 42 साल की हो चुकी एकता कपूर ने अब तक शादी क्यों नहीं की? इस बात का जवाब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। दरअसल उस वक्त एकता से पूछा गया था कि उनके भाई तुषार और बेस्ट फ्रेंड करण जौहर पापा सरोगेसी से बन चुके हैं, क्या उनकी पेरेंट बनने की इच्छा नहीं होती। तब एकता ने कहा था, मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कब ऐसा हो पाएगा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। और क्या कहा था एकता ने इंटरव्यू में आगे कहा था, मैं उन महिलाओं का सम्मान करती हूँ जो काम के साथ साथ घर को भी मैनेज करती हैं। मुझे बच्चे की प्लानिंग से पहले जिंदगी की प्लानिंग की जरूरत है। शादी के प्लान पर यह कहा था एकता ने। बकौल एकता, मेरे सभी फ्रेंड्स जिन्होंने शादी कर ली थी अब मैरिड हैं। हाल ही में मैंने कई तलाक देखे हैं। मुझे लगता है कि मुझ में ज्यादा पेशेंट है जो अब तक इसका इंतजार कर रही हूँ। मैं एक बात जानती हूँ कि मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन शादी नहीं, मुझे नहीं पता क्यों। मेरे पास खुद के लिए समय नहीं है। अगर मुझे कुछ घंटों का समय मिलेगा तो मैं स्पा जाना पसंद करूँगी। बता दें कि एकता कपूर टीवी की सबसे सक्सेसफुल प्रोड्यूसर हैं। प्रेजेंट में कसम तेरे प्यार की, चंद्रकांता, यह है मोहब्बतें, चंद्रनंदिनी, 2.5 किलो प्रेम, परदेस में है मेरा दिल और कुमकुम भाग्य जैसे कई शोज टीवी पर आ रहे हैं। भैरवी की छोटी बहन की शादी हो चुकी है, लेकिन वे अब भी सिंगल हैं। भैरवी की माने तो उन्हें आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके साथ वे जिंदगी गुजार सके। सूत्रों की माने तो कुछ सालों पहले भैरवी इंडस्ट्री में किसी को डेट कर रही थी, लेकिन बाद में वे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो गईं। कुछ सालों पहले एक पोर्टल को दिए इंटरव्यू में जया भट्टाचार्य ने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, कुछ सालों पहले मेरे ब्रेकअप के बाद मेरे कुछ मेल फ्रेंड्स मेरा पीछा करने लगे। मैं लोगों का माइंडसेट देखकर शॉक्ड थी कि लोग यह क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि महिलाएं अकेली रह सकती हैं। मेघना मलिक ने दैनिक भास्कर .com से बातचीत में कहा था, यकीन मानिए मैं सिंगल बहुत खुश हूँ। हाँ, कभी कभी आप अकेलापन महसूस करते हो, लेकिन मैंने अपने आप को काम के साथ एंगेज कर लिया है। मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, मैं अब भी मिस्टर राइट का इंतजार कर रही हूँ। 2005 में ऐसी खबर थी कि साक्षी शमर ने एक बिजनेसमैन से सीक्रेटली शादी कर ली, लेकिन बाद में खुद साक्षी ने खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा था, मैं सिंगल हूँ और मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिससे मैं शादी कर सकूं। नॉर्मली लोग प्यार को खोजते हैं, लेकिन मेरे केस में लगता है प्यार मुझे खोज चुका है। मैं शादी में विश्वास रखती हूँ, मैंने अपनी फैमिली में सक्सेसफुल शादियाँ देखी हैं। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी मेरे लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गीता कपूर फिलहाल कोरियोग्राफर और मॉडल राजीव खिंची को डेट कर रही है। हालांकि खुद गीता ने कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात नहीं की। इंजित कौर 16 साल तक बॉलीवुड और टीवी एक्टर मोहन कपूर के साथ रिलेशनशिप में रही, अब वे अलग हो चुके हैं। वैसे मोहन कपूर से पहले 18 साल की उम्र में अचिंत की अरेंज मैरिज हुई थी जो तलाक पर खत्म हुई। भाभी जी घर पर हैं। मैं अंगूरी भाभी का रोल कर चुकी शिल्पा शिंदे की शादी एक्टर रोमित राज के साथ तय हो चुकी थी, लेकिन बाद में शिल्पा को महसूस हुआ कि रोमित उनके पेरेंट्स को महत्व नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने इन मौके पर शादी तोड़ दी। बाद में रोमित ने टीना कक्कर से शादी कर ली। 2014 में महक चहल ने डेनिश खान के साथ अपनी सगाई तोड़ी। 2012 में बिग बॉस ई फिनाले के दौरान नेशनल टीवी पर दानिश ने महक को प्रपोज किया था, हालांकि बाद में किसी वजह से उन्होंने अपना मैरिज प्लान कैंसिल कर दिया।
मोना सिंह कभी बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल को डेट कर रही थी, 2014 में उनका ब्रेकअप हो गया। कहा जाता है कि 2013 मोना का रेमेडियस लीक होने के बाद उनके रिश्ते में दरार आए। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया है कि विद्युत अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे और मोना के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे, इसी वजह से मोना ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। रति पांडे कभी अनस राशिद को डेट कर रही थी, लेकिन फरवरी 2016 में उनका ब्रेकअप हो गया। दोनों करीब 8 साल रिलेशनशिप में रहे। शमा सिकंदर कभी एलेक्स ओनील के साथ रिलेशनशिप में थी, 4 साल तक उन्होंने डेट किया और फिर ब्रेकअप हो गया। 2016 में शमा ने अमेरिकी बिजनेसमैन जेम्स मिलरॉन से सगाई की। 3 साल तक डेटिंग के बाद 2016 में नौशीन अली सरदार ने बॉयफ्रेंड राहिल अजाम से ब्रेकअप किया। दोनों के ब्रेकअप की वजह लॉयल्टी इश्यूज बताए जाते हैं।